सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम सॉलिड वर्क में आपके लिए एक दूसरी ड्राइंग लेके आए हैं। और हमारी सॉलिड वर्क जो है दूसरी वीडियो है, हमारी एक पहले भी वीडियो बन चुकी है, उसमें हमने एक छोटा सा ड्राइंग बना कर दिखाया था आपको। उस पर आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। ये हमारी आज दूसरी ड्राइंग है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम बनाना शुरू करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फीचर में जाएंगे। फीचर में जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है ये कैसे हैं। तो अभी हम जब एक्सट्रूड पोज पे ले लेते हैं, हमने यहाँ से एक्सट्रूड पोज पे ऐसे ले लिया है। और हमें जो ड्राइंग बनानी है वो हमें फ्रंट में करनी है। फ्रंट में ड्राइंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। फ्रंट पे क्लिक करते ये हमारा एक्स वाई दिख रहा है और जेड जो है हमारा वैसे दिख नहीं रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स वाई हमारा सीधा सीधा हो गया। जो हमारा वाई है ये हमारा वर्टिकल में हो गया और एक्स हमारा हॉरिजॉन्टल में तो रहता ही है। तो चलिए हमने क्या किया, हमें लाइन कमांड ले लिया। लाइन कमांड लेकर हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये लाइन हमारी करीब 100 की रहेगी। ये हमने 100 की एक लाइन ले ली है। और हमने क्या किया, इसको डिलीट मार लेते हैं सिलेक्ट की गलती से आ गई। ये थोड़ा दिक्कत आ रही है। और हमने आप लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये लाइन जो हमारी है ये 40 की लाइन होगी। सॉरी, हमने यहाँ पे 40 की एक लाइन ले लेनी है इधर से। ये 40 के आसपास में है। अब हमें इस तरफ 10 करना है और इस तरफ हमें 60, फिर इस तरफ हमें फिर से 10, इधर हमें 30, इधर हमें 20, इधर हमें इसके बराबर लेंगे 30, इधर हमारा जो है 20 रहेगा और इधर हमारा इसके इक्वल में आ जाएगा, ये जो आ रहा है। और इसमें हमारा इधर भी हमारा 20 ही रहेगा, 20, और इधर हम इसके बराबर लेंगे, फिर इधर हम 10 कर देंगे, फिर इधर हम इसके इक्वल में ला के हम इसके बराबर में ऐसे कर देंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करके एग्जिट कर देंगे। अब आगे हमें क्या करना है, इसमें हमें यहाँ से हमारी जितनी भी डायमेंशन थी ये प्रॉपर नहीं थी, सारी पॉइंटों में आ रही थी। जैसे ये 100 था तो ये भी 100 पॉइंट कुछ थी, ये भी 40 थी तो ये भी 40 पॉइंट कुछ था। तो हम इसे प्रॉपर करने के लिए क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पर हमने इस लाइन पर क्लिक किया। लाइन पे क्लिक करते ही ये देख सकते हो आप 100 100 का कुछ आ रहा है लिखा हुआ, और ये पॉइंट में आ रहा है 100.49 आ रहा है। तो हम इसे पूरा 100 कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब हमें इस पर भी ऐसे करना है। ये वाई लाइन देख सकते हो आप 40.87 आ रहा है। इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हम इसको 40 कर देंगे। हम ऐसे ही इसको भी 10.79 आ रहा है, 10.79 आ रहा है, तो हम इसको 10 कर देंगे। और ये भी हमारा 60.70 आ रहा है तो इसको 60 कर देंगे। ऐसे हम ये सारी जो है इनकी एक प्रॉपर डायमेंशन ले लेंगे, इनको प्रॉपर स्मार्ट डायमेंशन कर देंगे इनकी। ये देख सकते हो आप, हमने एक एक करके इन सब की डायमेंशंस जो है प्रॉपर कर दे रहे हैं। और ये हमारा 60 था, अभी हमारा ये अपने आप हो गया होगा 60। ये देख सकते हो आप 10 हो गया और हमने एस्केप कर दिया। अभी देख सकते हो आप ये 100 है और हमारा एक ये भी रह गया, इसको भी हमें करना है। ये 50 हो गया, 15 है, तो हमें इसको कितना करना है, हमें इसको 40 करना है। सॉरी, हमने एक गलती क्या कर दी थी, इसका हम अंडू कर लेते हैं एक बार। हमारा जो ये 59 था, हम इस 59 को 60 कर लेंगे।
ये देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं आप, इधर हम 60 कर देंगे और एंटर कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अभी हमारा जो है स्मार्ट डायमेंशन लिख देख सकते हैं आप, ये भी हमारा पूरा 10 आ रहा है और ये भी हमारा पूरा 40 आ रहा है। ठीक है, अभी हमारे सारे डायमेंशन प्रॉपर हो चुकी है, इधर भी देख सकते हैं आप, ये सारी प्रॉपर है, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं। अब हम क्या करेंगे, एग्जिट स्केच कर देंगे, यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है। और एग्जिट करने के बाद अभी ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी कह रहा है कि आप कितनी चाहिए, इसकी जो मोटाई है वो कितनी चाहिए। जैसे आपको, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, वैसे हमें मान लो 50 लेनी है तो हमने 50 कर दिया, मान लो हमको 10 लेनी है तो हमने यहाँ 10 कर दिया, मान लो हमको 20 लेनी है हमने 20 कर दिया। तो आप इस हिसाब से अपना चेंज कर सकते हो इसमें डायमेंशन, और इस पर राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करते ये बन के तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इस, अगर इसके ऊपर आपको कुछ ड्राइंग बनानी है, मान लो यहाँ ड्राइंग बनानी हो, ये यहाँ पे ड्राइंग बनानी हो, या इस तरफ ड्राइंग बनानी हो, या इस तरफ, या यहाँ पे हमने फ्रंट में बनानी हो, या हमें यहाँ टॉप पे बनानी हो वीडियो, कोई ड्राइंग बनानी हो, इस पे होल करना होगा, या कुछ कट लगाने हैं, या इस तरफ कोई होल करना कट लगाने हैं, या इस तरफ कोई होल करके कुछ बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्केच का, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है नॉर्मल टू का। तो हमने क्या किया, हमने नॉर्मल टू पे कर दिया, और जैसे ही हमने नॉर्मल टू पे किया तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है, इस हमारा एकदम फ्रंट में आ गया सारा ये। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमने इस पर एक, क्या करते हैं हम इस पर एक्सट्रूड, पहले हम इस पर एक्सट्रूड कट कर लेते हैं, क्योंकि तो हमें यहाँ पे कट करना है इस पर। तो एक्सट्रूड कट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये हेक्सागोनल जो है इसका, हमने ये ले लिया है पॉलीगन ले लिया हमने हेक्सागोनल का, और हमारा जो इसका सेंटर पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे है, चलो इस पर हमने क्लिक किया। आप अपने हिसाब से इस पर कुछ भी डिमेंशन दे सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसने ऐसे कहा कि भाई यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, कई ऑप्शन कि आपको यहाँ पे 8, इसको 8 करना है, या 10 करना है, या 5 करना है, आपको जितना भी करना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये आपको इन सब्सक्राइब रखना है या सब्सक्राइब रखना है, ये भी आप दे सकते हो। आपको सर्कल के अंदर रखना है या सर्कल के बाहर रखना है, ये भी आप दे सकते हो, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे इन सब्सक्राइब रखा है, मतलब सर्कल के बाहर बाहर रखा है। और अभी हमें क्या कह रहा है कि ये हमारा जो है, हमने यहाँ से इसको 40 जो है हमारा, हम इसको प्रॉपर 50 कर देंगे और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो एरो दिख रहा है, एरो या फिर ये एग्जिट स्केच का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही ये हमारा कुछ ऐसा बन गया है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, देख सकते हो आप इस पर ये कट लग गया है। और आप यहाँ से एग्जिट कर दो राइट क्लिक करके, सॉरी थोड़ा ज़्यादा आयु का सॉफ्टवेयर है इसलिए ऐसे हैंग हो रहा है। तो अभी हमारा ये कट लग गया है, एक मिनट, ये देखो आप, इसमें ये हेक्सागोनल कट लग गया। आप इसकी जगह सर्कल ही बना सकते थे कुछ, या और भी कुछ आप जो अपना करना चाहो कर सकते हो। और आप इसके टॉप पे भी, आपको अगर होल चाहिए तो आप उसको भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ से नॉर्मल टू पर करके हमने एक्सट्रूड कट कर दिया, और एक्सट्रूड कट करके हमने यहाँ से एक सर्कल बनाया और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया। अभी हमने क्या किया है कि ये सर्कल हमें मान लो 6 का सर्कल चाहिए था, तो हमने इसको 6 कर दिया यहाँ से और एग्जिट कर दिया। उसके बाद हमने स्मार्ट डायमेंशन कर दी, नहीं इसकी स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से लेके हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो 30 रखेंगे, मान लो हमने यहाँ से 30 कर दिया। और यहाँ से इसका, और इसका सेंटर पॉइंट से हमने इसको 10 कर देना है,
ये हमने दस कर दिया और फिर से एग्ज़िट कर दिया। जैसे हमने एग्ज़िट किया ये फिर से ऐसे आ गया, ये देख सकते हो आप। और आपको अगर पूरा नीचे तक होल चाहिए तो आप पूरा, सॉरी, नीचे तक कर सकते हो, ये देखो। और अगर नहीं चाहिए तो आप ऊपर तक भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी और ऑप्शन आते हैं ब्लाइंड में। जैसे ब्लाइंड में जाओगे आप तो थ्रू ऑल कर दोगे तो पूरा नीचे तक जाएगा, फिर अप टू नेक्स्ट कर दोगे तो यहीं तक रहेगा बस, यहाँ तक देख सकते हो आप, ये लाइन आ रही है, यहाँ तक यहीं तक रहेगा। और अगर आप अप टू वर्टेक्स जाओगे तो ये यहाँ तक आएगा, ये भी यहीं तक आएगा। अप टू वर्ट उसके अगर बाद क्या है कि हमारा अगला ऑप्शन है अप टू सरफेस, तो हमारा बस यहीं तक रहेगा अब। और अगला ऑप्शन हमारा सॉरी, ये थोड़ा हैंग होके चल रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत हाई का है इसमें, इसलिए ये सॉलिड वर्क बहुत ज़्यादा हाई सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा ये वेट कर ले रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एग्जिट ही कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्या है, ड्राइंग रीड करने में टाइम लगाता है। और हमने यहाँ से एग्ज़िट कर दिया है, देख सकते हो आप हमारा कट लग गया है यहाँ पे, ये हमारा होल बन गया है यहाँ पे। ये देखो आप, ये ड्राइंग रीड कर रहा है, अभी ड्राइंग रीड करने में टाइम लगता है इसलिए ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है। ये देखो आप, ये हमारा होल का जो कट है ये लग गया है। इस तरह से आप सॉलिड वर्क में कोई भी ड्राइंग बना सकते हो, कहीं पे होल करना हो या कुछ कट करना हो या कुछ डिज़ाइन बनाना तो आप कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों से भी शेयर करना, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके तो सपोर्ट भी करना। थैंक यू वीडियो को एंड तक जुड़े रहने के लिए।